नमस्ते दोस्तों, आज हम यहाँ ओल्ड फरीदाबाद में हैं। हमारे साथ है हेमंत गुप्ता। हेमंत, हम यहाँ देख रहे हैं आपने 5 किलोवाट की सोलर पैनल सिस्टम लगाई है, तो क्या ये आपकी पूरी घर की रिक्वायरमेंट्स कवर करती है? हाँ, ये मेरे घर के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कवर करता है। इनिशियली मेरा जब मैंने सेटअप करने की कोशिश की थी तो मैंने 2 किलोवाट से स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे को कितनी रिक्वायरमेंट है इसकी। जैसे जैसे मुझे लगा कि मेरी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है और मेरा जो सैंक्शन लोड है मीटर पर 6 किलोवाट है, तो मैंने सिस्टम को अपना 5 किलोवाट पर अपग्रेड कर लिया। अब मैं सिस्टम की बात करूँ तो मैंने ये एक R&D पर्पज़ के लिए इंस्टॉल किया था स्टार्टिंग में, जिसमें मैंने 2 किलोवाट के मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स यूज़ किए थे और 3 किलोवाट के मैंने पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल्स यूज़ किए थे। बट अगर आप रियल लाइफ सिचुएशन में देखें तो इतने छोटे सिस्टम में आपको मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन के बीच में डिफरेंस कभी नहीं दिखेगा। इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी भी आप कभी ये नहीं बता पाएंगे कि मोनो ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं या पॉली ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं। अब इस सिस्टम की बात करूँ तो इसमें आपका पैनल्स इन्वॉल्व होते हैं, आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो हॉट डिप गैल्वनाइज होता है, जिसका मतलब ये होता है कि नॉर्मल आयरन स्ट्रक्चर को ही फैब्रिकेट किया जाता है, उसके बाद उसको जिंक के अंदर डुबो के रखा जाता है 24 आवर्स के लिए। उस पर कोटिंग एक लेयर बन जाती है, जिससे अगर आप स्ट्रक्चर को पानी में भी छोड़ेंगे तो वो उस पर रस्ट नहीं लगता है। दूसरी चीज़ में आपकी आ गई इन्वर्टर्स, जो आपके ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स होते हैं, आपके पास अलग अलग ब्रांड है, श्नाइडर है, डेल्टा है, पॉलीकैब, हैवल्स, वारी, ये सारी कंपनीज हैं। मैंने अपने सिस्टम में श्नाइडर का, विच इज़ कंसिडर्ड द टॉप ब्रांड, उसको मैंने इन्वॉल्व किया है। 5 किलोवाट का सिंगल फेज ग्रिड इन्वर्टर है और मेरी जो जनरेशन होती है अप्रॉक्सीमेटली एवरेज की बात करूँ तो 23 यूनिट्स से 27 यूनिट्स एवरेज प्रोड्यूस होती है और विंटर्स एंड तक ये पीक 31 तक पहुँच जाता है, जो कि एफिशेंसी वाइज अच्छा है इन पैनल्स के लिए। जो केबल्स यूज़ होती हैं वो बहुत मैटर करती हैं। आपकी नॉर्मल AC केबल्स के लिए ये नहीं बने हैं पैनल्स, बिकॉज आपका जो DC करंट है वो वायर के अंदर फ्लो करता है और आपका AC करंट वायर के बाहर फ्लो करता है, तो अगर आप AC वायर्स यूज़ करेंगे तो आपकी वायर्स हीटअप होने के चांसेस हैं। इनिशियली मुझे उस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, तो मैंने इसमें 16 square mm AC केबल इस्तेमाल करी, क्योंकि उस समय DC केबल 7 से 5 साल पहले बनती नहीं थी, तो मेरी वायर्स हीटअप होती थी। जैसे जैसे मुझे पता चला कि इसमें DC वायर्स मार्केट में आना स्टार्ट हो गई हैं, तो मैंने इसमें वायर्स यूज़ करी। अब इसमें वायर्स भी अलग अलग ब्रांड्स की आती हैं, बट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है देखने का वो ये चीज़ है कि आपकी वायर डबल इंसुलेशन होनी चाहिए, उसकी थिकनेस नॉर्मल वायर से थोड़ी सी ज़्यादा होती है और वो सिल्वर कोटेड दिखती है, जिसको हम जिंक कोटिंग बोलते हैं, टिंड कॉपर भी जिसे बोलते हैं। बेयर कॉपर और टिंड कॉपर में जो डिफरेंस होता है कि बेयर कॉपर आपका रस्ट लग सकता है, टिंड कॉपर में रस्ट के चांसेस कम हो जाते हैं, और ऐसा जहाँ ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, उस केस में टिंड कॉपर बहुत बेनिफिशियल रहता है। अब क्योंकि सिस्टम 5 साल पुराना है, उस समय तो कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, करीब करीब मेरा 5 लाख रुपया खर्च हुआ था इसमें, पर आज के समय में आपको यही सिस्टम आधी कॉस्ट में मिल जाता है। अगर मैं एक 5 किलोवाट सिस्टम की बात करूँ तो आपको 2.5 लाख्स या 3 लाख्स, डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रक्चर। अगर आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर है, एज एन नॉर्मल रूफ स्ट्रक्चर है, तो आपका 2.5 लाख तक में खर्चे में आपका पैनल सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है। अगर आपका एलिवेटेड स्ट्रक्चर है, जहां आपके नीचे शेडो आ रही है और आपको स्ट्रक्चर को हाइट देनी है, उस केस में आपका कॉस्ट 2.75 या 3.0, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, जा सकता है। राइट, तो हेमंत जी, आपने जब शुरू किए थे तो बैटरीज ऐड किए थे आपके सिस्टम में और आज आप नेट मीटरिंग यूज़ कर रहे हैं, तो आपका यूज़र एक्सपीरियंस कैसा रहा है? जो आपका ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है और जो ऑन ग्रिड सिस्टम होता है, उसमें दो बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको समझनी है। एक तो कॉस्ट, दूसरा आप जो बैटरीज लगा रहे हैं उसका आपको बैकअप कितना मिलेगा। अगर मैं एक ऑफ ग्रिड सिस्टम की बात करूं तो उसमें आप ज़्यादा बैटरीज इंस्टॉल करते हैं ज़्यादा बैकअप के लिए। इनकेस अगर आपका बैकअप आपको लगता है कि बाद में कम पड़ा, तो यू कैन ऐड अप द बैटरीज, आप एक्स्ट्रा बैटरीज ऐड कर सकते हैं, बट बैटरीज़ के साथ साथ आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो होता क्या, हम सोचते हैं कि जो हमने सिस्टम पे पैसा इन्वेस्ट किया है वो मुझे कब तक वापस मिलेगा, तो एक ऑफ ग्रिड सिस्टम में आपको पैसा कभी भी वापस नहीं मिलता है, क्योंकि अगर आप एक 5 ईयर्स की वारंटी की बैटरी के साथ भी जाते हैं तो आपको आफ्टर 5 ईयर्स वो बैटरी बदलनी पड़ेगी, तो आपका जो कॉस्ट है वो फिर से ऐड अप हो गया। तो ये कॉस्ट आपका हर साल, हर 5 साल में ऐड होता रहेगा, तो जो आपका ROI है वो आपका कभी अचीव ही नहीं हो पाएगा। और जो मैं ऑन ग्रिड सिस्टम की बात करूँ तो ऑन ग्रिड सिस्टम में आपका बैटरी कॉस्ट खत्म हो जाता है, आपको अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो आपका रिकवरी टाइम कम हो जाता है, और अगर सब्सिडी नहीं भी है तो भी आपका जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया वो 4 to 5 years, डिपेंडिंग ऑन कि आपका सिस्टम कैसा। अगर मैं बात करूँ एक 5 किलोवाट सिस्टम की, तो आपका लगभग 5 साल में पैसा वसूल हो जाएगा। अगर एक 10 किलोवाट का सिस्टम है तो आपका वही रिकवरी पीरियड 4 साल में आ जाएगा, और जो बड़े कमर्शियल प्लांट्स होते हैं 50 किलोवाट या 100 किलोवाट, उनका आपका रिटर्न पीरियड 1 से 2 साल में ही पूरा पैसा आपका रिकवर हो जाता है। दूसरी चीज़, जब हम बैटरीज ऑफ ग्रिड में बैटरीज यूज़ करते हैं तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है लेड एसिड बैटरीज़ का, कि उसमें आपको एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ता है, और जब डिस्चार्ज करने की बात आती है तो पूरा डिस्चार्ज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो लेड एसिड बैटरीज, अगर आप 20% DOD से नीचे जाते हैं तो वो डेड हो जाती है, मतलब वो यूज़लेस हो जाती है बैटरीज। अगर आप लिथियम बैटरीज लगाते हैं ऑफ ग्रिड में,
तो आपको थोड़ा सा सक्सेस रेट बढ़ जाता है। बट अगेन यहाँ पर एक कॉस्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको देखना पड़ेगा कि लिथियम की जो कॉस्ट है लेटेस्ट से वो कहीं ज़्यादा है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो आपको ऑन ग्रिड सिस्टम में नहीं मिलती है। पर अगर आपके एरिया में लाइट है ही नहीं तो आप ऑन ग्रिड सिस्टम पे नहीं जा सकते हैं। अगर आप मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करें तो मुझे इनिशियली ये चार्जिंग इश्यूज फेस हुए जिसमें मैंने एक ऑफ ग्रिड सिस्टम 8 बैटरीज के साथ मैंने इंस्टॉल तो कर लिया पर मेरा रात में बैकअप खत्म हो जाता था तो मुझे मैनुअल स्विचिंग करनी पड़ती थी ग्रिड पे। जैसे ही गवर्नमेंट ने नेट मीटरिंग की पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बेनिफिट जो लॉसेज जो मुझे हो रहे हैं डिस्चार्जिंग में कॉस्ट में ये मैं कवर अप कर सकता हूँ ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ। तो मैंने अपना पूरा का पूरा सिस्टम 2 किलोवाट का प्लस मैंने 3.5 किलोवाट एडिशनल ऐड करके इसको ऑन ग्रिड में शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर दिल्ली और हरियाणा में नेट मीटरिंग का क्या प्रोसेस है, क्या कॉस्ट है, आपने क्या फेस किया? दिल्ली और हरियाणा के दोनों डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं तो उनके प्रोसेसेस भी अलग हैं, पॉलिसीज़ भी अलग हैं। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आपको नेट मीटरिंग के लिए एक हरिडा की वेबसाइट होती है जहाँ पहले आप अप्लाई करते हैं सब्सिडी प्रोसेस के केस में, फिर आपकी एप्लीकेशन प्रोजेक्ट ऑफिसर से अप्रूव होकर आप इंस्टॉल करवाते हैं सिस्टम। उसके बाद आपको DHBVN या UHBVN जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है उसको अप्रोच करना होता है। वो आपकी साइट को विजिट करते हैं, फिजिबिलिटी चेक करते हैं क्योंकि रूल्स कहते हैं कि आपका जो सैंक्शन लोड है उसका 90% ही आप लगा सकते हैं। अगर आप 90% से ज़्यादा लगाते हैं तो आपके ट्रांसफार्मर को डैमेज होने के चांसेस हैं, तो वो लोग वेरीफाई करते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर ये सपोर्ट कर पाए। जब वो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव कर दी जाती है तो प्रोजेक्ट ऑफिसर आपको फाइनल एक गो अहेड देता है कि अब आप ये पूरा नेट मीटरिंग का सिस्टम आपका इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है क्योंकि अभी पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं हुई हैं, अभी इनको 2 साल ही हुआ है, तो यहाँ पर मीटरिंग की अवेलेबिलिटी का इशू है। तो अगर आपके पास मीटर रेडीली अवेलेबल है तो आप इजीली जाके अपना नेट मीटर इंस्टॉल करवा सकते हैं जिसमें आपका हफ्ता या 10 दिन का समय लगता है। अगर आपके पास मीटर अवेलेबल नहीं है तो आपको फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने में 1 से 2 महीना भी लग सकता है। मेरे केस में मुझे 4 महीने लगा था क्योंकि ये पॉलिसीज़ उस समय नई नई लॉन्च हुई थी तो किसी को पता नहीं था, तो मुझे भागदौड़ करके ये सब काम करवाना पड़ा। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में थोड़ा प्रोसेस ईजी है क्योंकि एक तो गवर्नमेंट वहाँ आपकी डिफरेंट है, दूसरा वो लोग इस चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। हरियाणा और दिल्ली की पॉलिसीज़ में एक मेजर डिफरेंस ये भी है कि अगर आपने एक्सेस एनर्जी गवर्नमेंट को दी है, सेल की है, तो हरियाणा गवर्नमेंट में आपको पैसा वापस नहीं मिलता है, वो आपके बिल में एडजस्ट होता है और एक साल के एंड में उसको वाइप ऑफ करके जीरो कर दिया जाता है। पर दिल्ली की बात करें तो जितनी आपने एक्सेस एनर्जी इंपोर्ट की है गवर्नमेंट आपको 50% रेट पे एक चेक इशू करके आप पैसा वापस मिल जाता है। ये मेजर डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में। हेमंत, सब्सिडी के बारे में बताइए, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, और क्या आसान है सब्सिडी लेना? सब्सिडी की बात करें तो दिल्ली गवर्नमेंट तो अभी कोई सब्सिडी नहीं देती है, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट दिया करती थी, MNRE के थ्रू आता था, सेकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको सब्सिडी प्रोवाइड किया करती थी। बट MNRE ने 1 से 1.5 साल पहले पॉलिसीज़ बंद करके स्टेट लेवल पे ही सब्सिडी का बटन डाल दिया। हरियाणा गवर्नमेंट स्टार्टिंग से ही 30% सब्सिडी दे रही थी, अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने 20 जून से सब्सिडी स्टॉप कर दी है बिकॉज ये सारा प्रोसेस जो है डिस्कॉम जो आपके इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उनके ओवर शिफ्ट हो रहा है। तो सुनने में ऐसा आया है कि 20% सब्सिडी कर दी जाएगी और जिनके सिस्टम 3 किलोवाट से कम है उनको 40% सब्सिडी दी जाएगी। प्रोसेस की बात करें तो आपको पहले हरिडा की वेबसाइट पर लॉगिन करना पड़ता था, जो साइट का URL है dnreapply.gov.in, वहाँ पर जाके आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, एप्लीकेशन प्रोजेक्ट ऑफिसर के पास जाती है। अगर मैं अपने एरिया की बात करूँ तो सेंट्रल सेक्रेटरेट ऑफिस है सेक्टर 12 में, वहाँ मिस्टर ओमवीर सिंह तेवतिया जी हैं जो प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं सोलर डिपार्टमेंट के, उनके पास एप्लीकेशन जाती है, वो आपके घर पे आके विजिट करते हैं, देखते हैं कि आपने कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम तो नहीं लगा रखा। अगर आपके घर पे सिस्टम नहीं है और फिजिबिलिटी है सिस्टम की तो आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया जाता है। अप्रूवल के बाद आप किसी भी वेंडर को अप्रोच कर सकते हैं या खुद लगाना चाहे तो खुद लगा सकते हैं, बट आपका जो सिस्टम होगा वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से होना चाहिए। जब आप सिस्टम एक लगा लेते हैं तो प्रोजेक्ट ऑफिसर को आप बोलते हैं कि मैंने अपना सिस्टम इंस्टॉल कर लिया है, आप दोबारा आके विजिट कीजिए, चेक कीजिए कि ये मेरा सिस्टम पॉलिसीज़ के हिसाब से है या नहीं है। प्रोजेक्ट ऑफिसर फिर आपके घर पे आते हैं, विजिट करते हैं, चेक करते हैं सारी चीज़ों को कि गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से है। अगर वो रूल्स के हिसाब से पाया जाता है सिस्टम तो आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे दिया जाता है जिसके बाद आप एक नेट मीटरिंग का सिस्टम लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें अब प्रोजेक्ट ऑफिसर का रोल खत्म हो जाता है और आपके डिस्कॉम का जो आपका DHBVN या UHBVN है उसका रोल आता है। फिर वो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं आपकी नेट मीटरिंग के लिए और जब वो JEE सेटिस्फाइड हो जाता है तो आपको बोलता है कि ठीक है सर, आप हमें एक फाइनल अप्रूवल प्रोजेक्ट ऑफिसर से ला के दीजिए, हम आपका नेट मीटरिंग इंस्टॉल कर देंगे। आप प्रोजेक्ट ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं, आपको फाइनल अप्रूवल मिलता है और आपका नेट मीटरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। परफेक्ट। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में क्योंकि सब्सिडी नहीं है तो आपको इन चीज़ों से गुजरना नहीं पड़ता, आप डायरेक्टली अपने इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को अप्रोच कीजिए, उनको बोलिए कि मैं सिस्टम लगाना चाहता हूँ, तो सेम प्रोसेस वहीं फॉलो होगा, थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन का फर्क होगा, बट सब्सिडी दिल्ली गवर्नमेंट की नहीं है। जी, हमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पे पूछे जाते हैं कि अगर किसी के पास अपार्टमेंट है तो क्या वो सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं?
जनरली तो आपके पास अगर रूफ़ राइट्स हैं, क्योंकि अगर आप टॉप फ्लोर पर रहते हैं और आपने रूफ़ राइट्स ले रखे हैं तो आप अपने रूफ़ के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास रूफ़ राइट्स नहीं, अगर एक आप सोसाइटी की बात करें तो आपको अपने सोसाइटी के प्रेसिडेंट या जो भी लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे बात करके आप सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, उनको अगर कोई दिक्कत नहीं है तो। पर आपको क्योंकि आपकी रूफ़ शेड होती हैं, एज इन अगर आपके पास रूफ़ राइट्स नहीं है तो वो रूफ़ सबके लिए एक्सेसिबल है, तो अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपने रूफ़ पे प्लांट इंस्टॉल कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपके रूफ़ पे जगह कितनी है जी। और इंडिपेंडेंट यूज़र्स जैसा आपका है बंगलो, उनके लिए तो बहुत फिजिबल है सिस्टम ये, क्योंकि एक तो वो अपना खुद का इंडिपेंडेंट पावर जनरेशन सिस्टम लगा सकते हैं, रूफ़ राइट्स उनके पास आइडली रहते ही हैं, और किसी की अगर टॉप स्टोरी की बिल्डिंग है जिस पे कोई भी कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप इजीली सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ हरियाणा की बात करें तो आपको ये देखना होगा कि आपके सिस्टम जो आप लगा रहे हैं उसकी कैपेसिटी क्या, रूल्स के हिसाब से अगर आपका मीटर पे सैंक्शन लोड फॉर एग्जांपल 10 किलोवाट है तो रूल्स के हिसाब से आप 90% ही जा सकते हैं, प्लस आपका रूफ़ साइज़ आपको परमिट करना चाहिए कि इतना वो आप उस पर सिस्टम इंस्टॉल कर सकें। एक ज़रूरी चीज़ ये भी देखने की, क्योंकि फरीदाबाद में काफ़ी बिल्डिंग्स पुरानी हैं और अगर आपकी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है तो क्या वो सोलर सिस्टम का बर्डन उठा पाएगी, एक वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। राइट। आप ये पैनल्स को मेंटेन कैसा करते हैं और क्या मेंटेनेंस कॉस्ट है? पैनल्स की आपको मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर मैं इन मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स की बात करूँ तो ये एक नॉर्मल ग्लास है, जो आपको चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है कि इस पे आप कभी भी सर्फ या कोई ऐसा डिटर्जेंट इस्तेमाल ना करें जो ग्लास के डैमेज, ग्लास को डैमेज कर दे। हरियाणा की बात करें तो यहाँ पहले से ही पानी आपका नमकीन पानी होता है जो आपके ग्लास को डैमेज कर सकता है, तो आप एक नॉर्मल वाटर से क्लीन कर सकते हैं और एक कपड़े से साफ़ कर सकते हैं इसको। धूप में कभी भी साफ़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उस समय ग्लास गर्म होता है, टूटेगा नहीं पर आपके थोड़ा सा डैमेज होने के चांसेस, प्लस आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस हैं। क्योंकि इसको मैं बात करूँ तो अभी मैं छू सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसकी अर्थिंग प्रॉपर की हुई है। अगर अर्थिंग नहीं है तो इन पैनल्स को टच करने पे मुझे करंट लग सकता है, क्योंकि डीसी करंट होता है या आपके एसी से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो आपको एक एसी का 5 किलोवाट करंट और डीसी का 5 किलोवाट ज़्यादा स्ट्रांग लगेगा एज़ कम्पेयर टू एसी। और मेंटेनेंस की बात करें तो पैनल्स आपकी 25 ईयर्स के लिए कवर्ड होते हैं, जिसमें आपको कंपनी 10 साल की प्रोडक्ट वारंटी देती है कि कुछ भी इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करेंगे, और अगले 15 साल के लिए आपको 85% परफॉर्मेंस वारंटी मिलती है, जिसका मतलब ये कि अगर आपकी पैनल्स की एफिशिएंसी 85% से डाउन हो जाती है तो आपके पैनल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करेंगे। अब हरियाणा की बात करें तो 5 साल की AMC आपको गवर्नमेंट फ्री देती है अगर आप सब्सिडी आपने अवेल की है, जिसमें आपका इन्वर्टर कवर होता है, स्ट्रक्चर आपका कवर्ड होता है और आपके पैनल्स कवर्ड होते हैं। इसके अलावा आपको मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो आपका एक सफाई के अलावा इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है। ये जो आप इन्वर्टर देख रहे हैं ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, श्नाइडर कंपनी का इन्वर्टर है, विच इज़ कंसिडर्ड दी टॉप ब्रांड, जो सबसे माना हुआ ब्रांड माना जाता है कंपनी के इंडस्ट्री के अंदर। तो ये आपका ऑन ग्रिड इन्वर्टर है जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। अगर आप इसमें देखें तो मेरी दो स्ट्रिंग्स जा रही हैं, क्योंकि मेरे दो सेट ऑफ पैनल्स हैं तो मैंने दो स्ट्रिंग निकाली है, और एक ये पावर लाइन है सिंगल फेज की जिसमें प्रॉपर करंट जा रहा है। इसके साथ में आपको एक प्रोटेक्शन डिवाइस की भी जरूरत पड़ती है, आपको डीसी वायर्स को प्रोटेक्ट करना है, कल को अगर अर्थिंग लाइटिंग स्ट्राइक हो जाती है तो आपके इसमें SPDs लगे होते हैं जो आपके सर्ज को अरेस्ट करके, एज इन सर्ज को रिड्यूस कर देते हैं और आपके सिस्टम को डैमेज होने से बचाते हैं। और वो आप जो आखिर में देख रहे हैं मेरा सोलर चार्ज कंट्रोलर है, जो मैंने ऑफग्रिड सिस्टम के समय में इस्तेमाल किया था। ये सिर्फ बैटरीज को चार्ज करता है, सिर्फ डीसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, पर आपका ऑन ग्रिड इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। अगर आपकी लाइट चली जाती है तो सिस्टम शट डाउन हो जाता है। एक सेफ्टी मेजर है जिसको हम एंटी आइलैंडिंग बोलते हैं, जिसका पर्पस होता है कि अगर ग्रिड को किसी ने इंटेंशनली बंद किया है, कोई लाइनमैन काम कर रहा है, तो ये डिवाइस ग्रिड में वापस करंट भेज के उस पर्सन की डेथ का रीज़न ना बन जाए। तो यही मेन कारण होता है कि शटडाउन हो जाता है। अगर आप देखें तो अभी ये शटडाउन हो गया था क्योंकि पीछे लाइट चली गई थी, और अब ये दोबारा स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे आप देख रहे हैं हेमंत के पास इलेक्ट्रिक गाड़ी भी है और वो इलेक्ट्रिक गाड़ी अपने सोलर सिस्टम से चार्ज करते हैं। तो क्या आपकी घर की सब रिक्वायरमेंट्स कवर हो जाती है, इंक्लूडिंग द चार्ज ऑफ द कार? हाँ, मेरी अभी सारी रिक्वायरमेंट्स कवर अप हो जाती हैं। जैसे मैं अपने लोड की बात करूँ तो मेरे घर में 2 AC चलते हैं, एक मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज करता हूँ। अब क्योंकि नॉर्थ इंडिया है तो यहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा होती है, सर्दियाँ कंपेरेटिवली कम होती है, बट आपको कभी कभी हीटर्स की जरूरत पड़ जाती है। अब ये क्योंकि जो मेरी गाड़ी है ये 5 से 6 यूनिट मेरा डेली कंजम्पशन इसका हो जाता है, और मेरा टोटल घर का लोड जो है अप्रॉक्सीमेटली 30 यूनिट्स का ऑन अ डे कंजम्पशन है गर्मियों के अंदर। अब क्योंकि मेरा प्लांट जो है सोलर प्लांट, वो 27 से 30 यूनिट जनरेट कर देता है, ऑन एवरेज 23 यूनिट्स पैदा करता है, तो मेरे पूरे साल का कंजम्पशन जो है वो सोलर एनर्जी से मीटअप हो जाता है। और अगर मैं अपनी बिल की बात करूँ तो मेरा बिल हार्डली 1000 रुपये या 1200 रुपये आता है 2 महीने का, विच इज़ वेरी लो। अगर देखें मेरे 2-स्टोरी बिल्डिंग हाउस है, लोड ज़्यादा है, 2 ACs हैं, गाड़ी है, तो उसके हिसाब से बिल का जो एक्चुअल जो फिगर्स आ रहे हैं वो बहुत बहुत कम है। थैंक यू वेरी मच हेमंत फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन जो आपने दी हमको, बहुत डिटेल में बताया कि हमारे दर्शक अगर सोलर पैनल्स लगाना चाहें उनके घर में तो क्या प्रोसेस रहेगा।
थैंक यू वेरी मच।